आजमगढ़ जिले के सिदारी थाना क्षेत्र के भदली में पुरानी रंजिश के चलते 28 वर्ष से होमगार्ड हरेंद्र यादव की जमकर पिटाई की गई। इस पिटाई से होमगार्ड का सर फट गया है और गंभीर चोटें भी आई है। घायल होमगार्ड को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल होमगार्ड का इलाज चल रहा है। पिटाई करने वाले लोगों ने गोली भी चलाई। पीड़ित होमगार्ड हरेंद्र यादव का कहना है कि फायरिंग की गई गोली सिर के ऊपरी हिस्से से निकल गई, जिसके बाद धारदार हथियार और राड से पिटाई की गई। हाल की गोली चलने की बात को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि 25 दिन पूर्व तेरही के कार्यक्रम में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बदले में आज ये दोबारा हुई। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़ित हरेंद्र यादव का इलाज चल रहा है और मारपीट करने वाले गौरव सौरभ सर्वेश सोनू और उनके दो साथी हैं। इन सभी के विरुद्ध धारा 506 और 308 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गुलाब चंद, मैं ग्राम प्रधान हूँ। अब घटना हमको फोन द्वारा सूचना मिली है कि कुछ लोग बदली टंकी के पास हरेंद्र यादव को मारपीट कर घायल कर दिए हैं। वहाँ पर मैं जाकर देखा हूँ हॉस्पिटल पर, डॉक्टर का नाम दिल्लाम के, तो यहाँ तब तक पुलिस आ गई थी। पुलिस वहाँ अपने साधन से ला करके सदर अस्पताल में भर्ती की है। क्या मामला था? अब उन लोगों का आपसी रंजिश है। आपसी रंजिश कौन पहले घटना घटी तो उसमें बीच बचाव करने गए थे, अब इधर उनको पा करके सब मारे हैं। धमकी मिल रही थी, बताते थे हमको, अरे जान से मारने की धमकी मिल रही थी हमको। लोग प्रधान के नाते बताते थे कि फला फला धमकी दे रहे हैं। ये मेरे संज्ञान में नहीं है। कैलासी मंदाला सिदारी। क्या मामला हुआ? मामला हुआ कि पटीदारी बीमार झगड़ा लड़का कैले रहने रहे छोड़ौले के संति हमारे लड़का के लिखा देना कुल अपन है जा कुल हाजिर हो गई ने। आज लड़का के कहिए से धीरे धीरे तरना सा देखा मार देना पौना है अकेले। हाँ कौन लोग मारे हैं? वो तीन चार गाड़ी पर पाँच छठोरा पिस्टर से मरना है। पिस्टर आवाज़ जब कैला तो हम कुछ दूरी रहनी, हम कुछ काम से जात रहनी है। लड़का देख लें घरे से दूध लेके जात है तो हम थोड़े जाने के लड़का के हमारे मार के सुता देने में, तब ले देखनी है भागत हुआ चमरौटी के रास्ते देख लेनी है कि ये लबदा पहना लेके ये जात हुआ। हमारा लड़का मार गया, अपने लड़का यहाँ दबर के हम गई हैं तो हमारा लड़का अभी बागी में सुतावल पोखरी के हैं। चमरावट बहन बभनैया का चमार अहिर सब जनता चारों गाँव का जुट गई ना वहाँ। क्या नाम है इनका? हरिंदर सिनाचर। क्या करते हैं? वो तो घर हाँ इस पी के रहे नहीं हूँ गार्ड में दूध लेके झगड़ा हमारे घर से कारण आ रहा है मन बढ़ाई से मार दिया। हाँ शिवम यादव। हम इनके मतलब भाई लगते हैं। क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था? पहले झगड़ा हुई थी, मतलब वो सब घर पे आए थे मार उर करने, मार उर किए, फिर वो उन सबको थोड़ा बहुत चोट लगी, हम सबको भी लगी थी। फिर उसके बाद वो सब जाकर थाने पर FIR दर्ज करा दिए। फिर हम लोग गए 10 बजे के बाद, तो हम लोगों का नहीं हुआ वहाँ पर FIR। फिर वहाँ से हम यहाँ पर आए, हम लोग अपना बनवाए कागज वगज रेडी कर फिर दोबारा गए, तब भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो सब धमकी बार बार दे रहे थे कि मारेंगे कहीं पर पाएंगे तो मारेंगे। आज सुबह में अप्लीकेशन भी दिए थे हम सब। फिर उसके बाद आज भैया सुबह में जा रहे थे काम पर दूध लेकर, अब बीच रोड में रोक कर सब ये मारे इनको। मतलब पहले तरी दे रहे तो पुलिस को सुनवाई नहीं की आप लोगों की? नहीं, आज घटना घट गई। यस सर। अगर पुलिस सुनवाई की होती देखी होती तब ये घटना नहीं होती।